हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इस टॉपिक पर है कि गंधक पोटास पाउडर कहाँ से परचेस करना है, क्योंकि पिछली अभी जो हमने पोटास गन बनाया था उसमें बहुत लोग पूछ रहे हैं हमसे कि आप कहाँ से जो है पोटास पाउडर लिए हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इसको कहाँ से परचेस करना है। तो देखिए, हमने 1 किलो का पैकेट जो है इस तरह से हमारे पास आया है, तो हमने 1 kg इसको मंगाया था। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स इसको हमने जो है कहाँ से मंगाया है हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वैसे तो ये मीशो, अमेजोन और भी जगह से मिल रहा है, लेकिन हमने जो है जिस साइट से मंगाया है हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए, मेन चीज़ आपको हमको बताना था कि इसको मिक्स कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दोनों पैकेट को खोल लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसको खोला नहीं था। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको जो है पोटेशियम जो है जो वाइट वाला होता है वो पूरा 1/2 kg मिलेगा, और ये जो है 400 ग्राम के लगभग रहता है, तो ये थोड़ा मतलब गंधक जो है कम रहता है। लेकिन आपको जो मिक्स करना है दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से ये पाउडर आएगा आपके पास। ये भी पूरा पाउडर ही है, लेकिन ये मतलब मॉइस्चराइज के जरिए इस तरह से ढोका बन जाता है, जिसको मिलाने में फिर दिक्कत होती है, तो इसी को हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए, हमने एक ये छन्नी ले लिया है थोड़ा बड़ी साइज का, और इसमें हम बराबर से जैसे कि 2 चम्मच इसको ले रहे हैं, तो इस तरह से 2 चम्मच ले लिए हैं। इसी तरह इसको जो है इसमें इस तरह से चाल लेंगे। इस तरह से करने में फ्रेंड्स क्या है कि एकदम छोटा छोटा ये जो ये बॉल टाइप का दिख रहा है बिल्कुल चूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं बेलन से इसको बेल के दिखाते हैं, वो तरीका हमको सही नहीं लग रहा है। हमारे हिसाब से ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, इससे जो है बिल्कुल नीचे की ओर जो है पाउडर आता है। ये देखिए एकदम, तो इस तरह से देखिए हमने 2 चम्मच इसको कर लिया है। अब उसके बाद जो है 2 चम्मच इसको भी ले लेंगे, और इसको भी इस तरह से मिक्स करना है। ये वाला थोड़ा हार्ड होता है, मतलब कि इसको आपको करने में थोड़ा दिक्कत होगी, चूर कर लेंगे। बस आपको फ्रेंड्स ये ध्यान देना है कि दोनों पाउडर मिक्स होने के बाद आपको इसमें ज़्यादा बल नहीं देना है। जब तक ये दोनों पाउडर अलग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जैसे भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन दोनों पाउडर मिलने के बाद ये थोड़ा बारूद बन जाता है एक तरह से। अब हम इस तरह से एक डिब्बा ले लेते हैं, अब उसमें इसको धीरे से पलट देंगे। और इसको मिक्स करने का बस सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको बस डिब्बे को बंद करके इसमें इस तरह से घुमा दीजिए। किसी चीज़ से नहीं मिलाना है आपको, ये खुद मिल जाएगा आप जो है इस तरह से। तो देखिए एकदम बराबर से मिक्स हो गया है, कहीं भी जो है बॉल टाइप का नहीं है, क्योंकि बॉल रहता है तो फिर इसको बजाते समय जो है
ये ठीक से काम नहीं करता है। फिर अब हम इसकी टेस्टिंग आपको दिखाते हैं। तो ये रही हमारी पोटास गन, जिसको हमने पिछली वीडियो में बनाया है। तो अगर इसकी वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर इसको भी देख लें, क्योंकि इसको हमने काफ़ी अच्छे से बिल्कुल मजबूत बनाया है। तो अब इस पाउडर को डालते हैं इसमें। तो लगभग 1 चम्मच हमने डाल लिया है, अब इसको बजाते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा आवाज हुआ है। इसको मतलब कि मिक्स करना ही थोड़ा मुश्किल काम है, जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतना अच्छा ये आवाज़ करता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि काफ़ी अच्छा धमाका हो रहा है इससे, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का पाउडर आया है हमारे पास। तो हमने इसको कहाँ से परचेस किया है, हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाकर इसको बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।